नाग के माथा से यहाँ से कुछ काला स्टोन निकलते हैं, काला मनी निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्प मित्र आकाश जाधव YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज दिन भर में जितने भी सांप हमने रेस्क्यू किए हैं, यह सभी सांप यहाँ पर मैं फॉरेस्ट में रिलीज कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो में बने रहना, क्योंकि कुछ खास जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, जितने भी सांप आज हमने रेस्क्यू किए हैं, कल रात भी कुछ रेस्क्यू किए हैं, ये सभी सांप यहाँ पर मैं रिलीज कर रहा हूँ। पहले मैं कोबरा रिलीज करूँगा, अभी अलग अलग प्रजाति के सांप है, ये सभी सांप यहाँ पर मैं रिलीज करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे, कोबरा स्नेक, चलिए इसको यहाँ पर मैं पहले रिलीज करता हूँ। कोबरा सांप जहरीला होता है, तो इसको यहाँ पर रिलीज किया और इस बैग में देखते कौन सा है। इस बैग में भी एक कोबरा है, इसने इसका केचुली रिमूव किया है, इसका केचुली उतारा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे, इस तरह ये केचुली होता है। और सांप अपनी केचुली क्यों उतारता है, क्योंकि उसके शरीर पर जो गंदगी होती है, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े उस पर बैठ जाते हैं, उस पर घर बनाने लगते हैं, वो सब गंदगी निकालने के लिए सांप अपनी केचुली साल में लगभग 3-4 बार रिमूव करता है। अगर उसने अपनी केचुली रिमूव नहीं की, उतारी नहीं, तो बीमार होकर मर जाएगा। तो चलिए इसमें देखते कौन सा सांप है। इसमें भी कोबरा है, ये देखिए कोबरा स्नेक, ये थोड़ा बड़ा है उस से। तो ये देखिए कोबरा। तो चलिए इस सांप को भी यहाँ पर मैं रिलीज कर रहा हूँ। ये भारत का सबसे खतरनाक सांप, जहरीला भी है और खतरनाक भी है, रसल स्वाइपर स्नेक, देखिए भाग गया वो। चलिए कोई बात नहीं, बैक साइड में रख लेता हूँ। इसमें देखते हैं कौन सा है। बड़ा सा कोबरा है इसमें, बहुत ही बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। ये कोबरा बहुत कम मिलते, इतने बड़े बड़े कोबरा सांप, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़ा भी है और गुस्सेल भी है। तो दोस्तों, कोबरा सांप के मस्तिष्क में नागमणि होता है, ऐसा एक अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कुछ सपेरे लोग नाग के माथा से यहाँ से कुछ काला स्टोन निकलते हैं, काला मणि निकलते हैं, और लोगों को कहते हैं कि वो नागमणि है, तो वह सब झूठ है। क्योंकि वह लोग क्या करते हैं, सांप को पकड़ कर लाते हैं, उसके सर पर यहाँ पर चाकू से छुरा से ऊपर के ऊपर काट कर उसमें पहले ही उसके माथा में दो तरफ से दो काले स्टोन डाल देते हैं और उसको फेविस्टिक से चिपका देते हैं। और कुछ दिन बाद वही सांप लोगों के बीच दिखाकर उसी जगह पर हल्के से हाथ से ऊपर काट कर वह काला स्टोन निकालते हैं और कहते हैं नागमणि है। तो ऐसा कुछ भी होता नहीं, आज तक हमने हजारों सांप रेस्क्यू किए हैं, लेकिन ऐसा कोई नागमणि वाला सांप नहीं मिला। तो वह सब अंधविश्वास है, आक्रामक रूप में है। चलिए आप आज़ाद हो यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर कोबरा सांप को मैंने रिलीज किया है, और भी 2-3 सांप है यहाँ पर, और कुछ खास जानकारी एक सांप के बारे में देने वाला हूँ, वो सांप भी मैं आपको यहाँ पर दिखाकर रिलीज करूँगा। तो इसमें भी एक कोबरा सांप है, तो इसको भी यहाँ पर मैं रिलीज कर रहा हूँ फॉरेस्ट में। लगभग 5-6 कोबरा सांप मैंने रिलीज किए हैं, और देखते कौन से सांप हैं। तो चलिए, जिस सांप के बारे में खास करके जानकारी देने वाला था, यह सांप आपके सामने है। तो इससे पहले एक और सांप है हमारे पास, वो रिलीज करते हैं, फिर मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा।
तो इसमें भी एक कोबरा सांप है, देखिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह कोबरा भी काफी लंबा है, तो मैं यहाँ पर रिलीज कर रहा हूँ। तो सभी के सभी सांप हमने यहाँ पर रिलीज किए हैं और कुछ बचा नहीं है, सब रिलीज किए। लास्ट वाला जो खास करके मैं इसके बारे में जानकारी देने वाला था, यह एक रेड सैंडबॉ सांप है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये रेंगते हुए आगे किस तरफ से बढ़ रहा है, ये देखिए इस तरफ से आगे बढ़ रहा है। यह इसका पूंछ है और यह इसका मुंह है। तो पूंछ और मुंह समान दिखने के कारण इस सांप को दो मुहा इस नाम से जानते हैं, लेकिन इसका दो मुंह होते ही नहीं। ये देख सकते हैं आप, यह इसका मुंह है जो अपनी जीभ बार बार बाहर निकल रहा है, ये देखिए। और यह उसका पूंछ है, ये देखिए इसका ये पूंछ है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसे ऐसे अंधविश्वास है, जैसे कि इस सांप के लाखों करोड़ रुपए मिलते हैं, यह सांप विदेश में बिकता है और यह सांप अपने घर में रखने से धन प्राप्ति होती है। मांत्रिक बाबा को यह सांप देने के बाद वो पैसों की बारिश करता है। यह सांप से सेक्स पावर इंक्रीज करने के लिए कुछ दवाई बनाई जाती है। यह सभी के सभी अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी होता नहीं। और भी एक अंधविश्वास है, जैसे कि 6 महीने इस तरफ से चलना, 6 महीने इस तरफ से चलना, यह भी एक अंधविश्वास है। दोस्तों वैसे तो भारत देश में सांपों के प्रति बहुत सारे अंधविश्वास है, और ये रेड सैंडबोआ यानी मांडोल सांप, दोमुहा सांप के बारे में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है, और इसके चलते लाखों करोड़ रुपए की लालच में लोग इसको पकड़ कर रखते हैं। इसको पकड़ के रखने के बाद कुछ मिलता तो नहीं, इस सांप की जान चली जाती है। तो इसलिए ऐसे सांप आपको अगर आपके घर के आसपास कहीं खेत में दिखाई देते हैं तो आप मारे नहीं, आपके घर में पकड़ कर रखे नहीं, किसको बेचने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैं आपको फिर एक बार चेतावनी देता हूँ दोस्तों कि इस सांप के ऊपर कुछ भी मिलता नहीं है, खामखा आपको जेल हो सकती है। क्योंकि सांपों के रक्षण के लिए एक कायदा है 1972, इसके अंतर्गत आप पर कार्रवाई हो सकती है। यही सांप नहीं, कोई भी सांप आप पकड़ कर रखते हो तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए ऐसे सांप हो या कोई भी सांप हो उसको पकड़ कर मत रखिए, पैसों की लालच में आपको जेल हो सकती है और सांप की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस सांप को रिलीज कर रहा हूँ। और भी कुछ सवाल इस बारे में आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो उसका जवाब मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल मैं इस सांप को यहाँ पर रिलीज कर रहा हूँ। तो दोस्तों सोचो, ऐसे बहुत सारे सांप हमने पकड़े हैं, रिलीज किए हैं, आपने देखा भी होगा, अगर ऐसे सांप पर करोड़ों रुपए मिलते तो अब तक मैं अरबपति बन जाता, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर एक बार मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसा सांप दिखाई दे तो आप अंधविश्वास में ना रहे, उसको पकड़ कर ना रखें, सीधा आप अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने जिला के जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग है, उनको कॉन्टैक्ट करें, वो आकर के सांप को पकड़ेंगे और सुरक्षित जगह पर इस तरह रिलीज करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं रिलीज कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस सांप को रिलीज किया है, ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप होता है, धीरे धीरे अपने पर्यावरण में चला जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों साथ ही साथ बेल बटन दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे।